कर रहे थे कंफर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन की तो कंफर्मेशन uh, चार ब्यूटेन के आइसोमर्स हमने बनाए थे कन्फर्मेशनल तो उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हमने डिस्कस कर लिया था जो आपने भी लिखा होगा कि जो एंटी फॉर्म थी दैट वाज मोस्ट स्टेबल फॉलोड बाय स्क्यू और गॉश एंड देन देर was partially eclipsed फॉर्म और सबसे बाद में आती थी फुली एक्लिप्स तो इसी चीज को अगर एनर्जी वाइज हम देखें कि इनकी जो स्टेबिलिटी है कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है मतलब इनके एनर्जी डिफरेंस कितना कर होगा कि जो मोस्ट स्टेबल है उसकी एनर्जी कितनी कर कम है या जो लीस्ट स्टेबल है उसकी एनर्जी कितनी कर ज़्यादा है तो अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम इनके लिए ड्रॉ करें जो ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स थे तो वो बनेगी पिक्चर कुछ ऐसे वर्टिकल एक्सिज इफ वी टेकअप दी बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने इथेन की कंफर्मेशन में स्टडी किया था एंड ऑन दी हॉरिजोटल एक्सिस वी विल टेक अप एंगल ऑफ रोटेशन सबसे कम स्टेबिलिटी uh, या सबसे ज्यादा एनर्जी होती है फुली एक्लिप्स की तो फुली एक्लिप्स को मैं एफ ई से लिख रहा हूं और आपने भी देखा था कि हमने शुरू भी कंफर्मेशन आइसोमर्स फुली एक्लिप्स से ही किए थे फिर अगर 60 डिग्री एंगल पे रोटेट करें हम तो देन वी गॉट स्क्यू और गॉश जिसकी एनर्जी जो है फुली एक्लिप्स के काफी कम थी यहां पर आई और गौश, उसके बाद 60 डिग्री एंगल फर्दर रोटेशन के बाद हमारे पास बनी थी पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म तो पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म की एनर्जी स्क्यू और गौश फॉर्म से थोड़ी सी ज्यादा होती है पर हाँ फुली एक्लिप्स से कम ही होगी क्योंकि ये फुली एक्लिप्स से थोड़ी ज्यादा स्टेबल भी होती है यहां पर आ गई पार्शली एक्लिप्स और इसके बाद जब एंगल ऑफ रोटेशन हो जाए 180 डिग्री, तो तब जाके हमारे पास बनी थी एंटी फॉर्म जिसकी एनर्जी सबसे कम थी एंटी फिर इसी तरीके से अगर हम आगे एंगल ऑफ रोटेशन देखे देखते जाएं तो फिर से बनेगी एंटी के बाद स्क्यू और गौश और उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स तो ये चार मेन कन्फर्मेशनस थी जो ब्यूटेन के केस में पॉसिबल होती हैं तो इनका एनर्जी डिफरेंस कितना कर होता है तो ये देखने के लिए हम करेंगे अभी फुली एक्लिप्स और एंटी फॉर्म में कितना एनर्जी गैप है बाउट एटीन पॉइंट फोर किलो जाउल परमोल और फिर इसके बाद आती है बारी पार्शली एक्लिप्स की तो पार्शली एक्लिप्स और एंटी फॉर्म में जो एनर्जी डिफरेंस है ये फुली एक्लिप्स के कंपेरेटिवली थोड़ा कम है एंड इट इज फाउंड टू बी ऑलमोस्ट फोर्टीन पॉइंट सिक्स किलो जाऊल पर मोल और जो यहां पर थोड़ी सी ऊपर दिखाई दे रही है एक्चुअली ये होती थोड़ी नीचे है तो इसका और एंटी फॉर्म का एनर्जी डिफरेंस काफी कम होता है यहां पर एनर्जी डिफरेंस है अबाउट थ्री पॉइंट थ्री फाइव किलो पर मोल तो ये इनका जो है एनर्जी डिफरेंसेस इस हमें एनर्जी लेवल डायग्राम से क्लियर हो जाते हैं और यहाँ से भी हमें क्लियर रहती है बात कि एंटी फॉर्म की एनर्जी सबसे कम है इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसके बाद नंबर आता है स्क्यू और गौश फॉर्म का फिर उसके बाद पार्शियली एक्लिप्सड और सबके बाद जो लीस्ट स्टेबल फॉर्म है दैट इज फुली एक्लिप्सड तो ये है थी हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स हमने डिस्कस किए इथेन के या ब्यूटेन के तो इन अ सिमिलर वे प्रोपेन के भी होंगे पेंटेन के भी होंगे तो इन सभी के जो डिफरेंट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं उनका जो स्टडी करने का तरीका है वो यही होगा और इसी तरीके से हम उनके डिफ़रेंट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बना सकते हैं और बारी बारी उनको हम डिस्कस भी कर सकते हैं तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को ही आगे चलाते हुए जो अगले ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं पॉइंट फॉर साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन तो cyclohexane के कंफर्मेशनल आइसोमर्स देखने से पहले हमें आइडिया क्लियर होना चाहिए अबाउट बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी अब ये क्या चीज है बेयर्स हमने दो तरह की स्ट्रेन स्टडी की है या तो टोर्शनल स्ट्रेन थी जो नेबरिंग कार्बन के बॉन्ड पेयर में थी रिपल्शन उसके कारण और दूसरी थी हमारे पास स्ट्रेन दैट वॉज टेरिक स्ट्रेन दिस वॉज फिजिकल रिपल्शन बिटवीन द्रुप्स ऑफ एटम्स तो ये स्ट्रेन थ्योरी हमें बताएगी अबाउट एंगल स्ट्रेन आपको पता है कि जब कभी भी एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हो तो बॉन्ड एंगल होता है नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री फॉर uh, 28 मिनट्स या 109.5 डिग्री तो अगर एंगल उससे कम हो या उससे ज्यादा हो तो जितना नॉर्मल एंगल होना चाहिए बॉन्ड एंगल उससे कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे तो दोनों केसेस में ही जो मॉलिक्यूल है दैट विल एक्सपीरियंस लॉट ऑफ स्ट्रेन तो जो एंगल डिफरेंट होने के कारण स्ट्रेन होती है मॉलिक्यूल में दैट इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन सॉरी तो ये बात तो आपको क्लियर है कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है 109.5 डिग्री अब हम अगर साइक्लोप्रोपेन का केस देखें तो साइक्लोप्रोपेन की बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप की स्ट्रक्चर होती है अगर हम इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसी फिगर को स्टडी करें तो ये बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी एंड इन केस ऑफ ट्रायंगल, द एंगल इज 60 डिग्रीज <coughs> एंगल है 60 डिग्री का होना चाहिए था 109.5 डिग्री तो वो कितनी एंगल स्ट्रेन होगी इस मॉलिक्यूल में तो एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बेयर ने बताया था एंगल स्ट्रेन होगी कि कितना नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है दैट इज 109.5 डिग्रीज और एक्चुअली कितना है यहां पर है एंगल 60 डिग्री का इसको डिवाइड करेंगे बाय से क्यों क्योंकि नॉर्मल जो एंगल होगा दैट शुड बी अबाउट 109.5 डिग्री इतना होना चाहिए तो थोड़ा सा इधर को हमने स्ट्रेन किया मॉलिक्यूल को थोड़ा सा इधर से दोनों तरफ से स्ट्रेन जो है वो एक्सपीरियंस करेगा अगर मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली हमें अगर एक साइड में देखनी है तो वो स्ट्रेन जो होगी दैट विल बी हाफ ऑफ दी टोटल स्ट्रेन तो इसीलिए ही डिवाइड बाय टू किया तो ये आ जाएगा हमारे पास अबाउट फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव डिग्री डिवाइडेड बाय टू तो दैट विल बी ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव डिग्री इतनी ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगी साइक्लोप्रोपेन में जितने भी हम एल्केन्स करते हैं उनमें सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में ही होती है और इस एंगल स्ट्रेन के कारण साइक्लोप्रोपेन हाईली अनस्टेबल होता है या हाईली रिएक्टिव होता है ये फटाफट रिएक्शन करके अपनी इस एंगल स्ट्रेन से छुटकारा पाने की कोशिश करेगा तो इसीलिए ही ये अनस्टेबल होगा या हाईली रिएक्टिव होगा फिर अगर हम और साइक्लो की, की बात करें इसके बाद आता है साइक्लो दैट इज साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल जैसे अपियर हो रहा है 90 डिग्री का होता है तो एंगल स्ट्रेन हो जाएगी 109.5 डिग्री माइनस 90 डिग्री बाय टू तो ये रह जाएगी सिर्फ 19.5 पॉइंट फाइव टू यानी सेवन फाइव डिग्रीज तो एंगल स्ट्रेन क्योंकि कम हो गई इस कारण ये वाले मॉलिक्यूल जो है ये थोड़ा कम स्ट्रेन्ड होगा या थोड़ा कम अनस्टेबल होगा तो और दूसरे वर्ड में थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा इसी तरीके से अगर हम और बड़े मॉलिक्यूल की बात करें दैट इज साइक्लोपेंटेन इस केस में बॉन्ड एंगल आता है 108 डिग्री का तो ये लगभग क्लोज है टू द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल दैट इज 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स उसके लगभग सेम है तो जो एंगल स्ट्रेन है दैट इज इवन लेस देन 1 1 डिग्री तो इसलिए ये एंगल स्ट्रेन मतलब निगलिजिबल सी होगी इसमें तो इसकी स्टेबिलिटी को वो उतना अफेक्ट नहीं कर पाएगी इसीलिए ही साइक्लोपेंटेन जो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑलमोस्ट एज स्टेबल एज नॉर्मल पेंटेन दैट इज स्ट्रेट चेन पेंटेन फिर इसके बाद एंगल स्ट्रेन जो है वो कई बार नेगेटिव भी हो जाती है जैसे हम अभी केस करने वाले हैं स्टडी साइक्लोहेक्सेन का साइक्लोहेक्सेन की जो कॉमनली स्ट्रक्चर ड्रॉ की जाती है, इस रेगुलर स्ट्रक्चर, और केस में एंगल कितना होता है दैट इज अबाउट 120 डिग्री अब 120 डिग्री है तो टेट्राहेड्रल एंगल से ज्यादा है तो इसलिए इसमें नेगेटिव एंगल स्ट्रेन होगी अब स्ट्रेन जिस तरह से मर्जी हो जाए मॉलिक्यूल जो होगा वो तो अनस्टेबल होगा ही होगा तो इसीलिए ज्यादा एंगल स्ट्रेन होने के कारण जो साइक्लोहेक्सेन है आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव बट साइक्लोहेक्सेन इज फाउंड टू बी ऑलमोस्ट एज स्टेबल एज नॉर्मल हेक्सेन स्ट्रेट चेन हेक्सेन के जितना ही स्टेबल पाया जाता है ये अब इतना ज्यादा स्टेबल है अगर तो डेफिनेटली इसमें कोई स्ट्रेन नाम की चीज तो कम ही होगी अब इसमें जो एंगल स्ट्रेन हमने तो बनाकर देख ली कि काफी आती है तो उस एंगल स्ट्रेन के बावजूद ये कैसे स्टेबल है अगर स्टेबल है तो इसका मतलब एंगल स्ट्रेन नहीं है अब देखेंगे कि कैसे साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेन जो है वो नहीं है जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी बोर्ड के ऊपर नॉर्मल हेक्सागनल रिंग तो दैट वाज प्लेनर स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्लैट थी ऑन प्लेन ऑफ दी बोर्ड पर साइक्लोहेक्सेन की एक्चुअल शेप होती है थ्री डायमेंशनल होती है तो वो कैसी होती है और उसी थ्री डायमेंशनल शेप में हमारे पास दो पॉसिबल मतलब जो इंपॉर्टेंट हैं दो अरेंजमेंट्स बनेगी जिनको हम कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन भी कह लेते हैं इस तरह करके ये इजी चेयर जैसी हमारे पास सिचुएशन बनती है एक कन्फर्मेशन होगी ये वाली <coughs> इसमें जो नेबरिंग कार्बन के जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये सारे के सारे होते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में दैट इज दे आर एज फार अपार्ट पार्ट एज पॉसिबल तो अब कैसे बनाएंगे हम ये जस्ट आइडिया से बनाने होते हैं कि एक दूसरे से स्टैगर्ड दिखाई दे जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली exactly कुछ ऐसे हो जिधर को मर्जी करके हम बना सकते हैं जैसे इसके पैरल नहीं बनाना तो ऐसे करके बना दिया इसी तरह से इधर भी इसके पैरल नहीं बनाना तो इधर को करके बना दिया अब फिर इसके नेक्स्ट कार्बन आएगी तो इसका जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऊपर की तरफ होगा वो इसके पैरल नहीं होना चाहिए तो मतलब हमने लगभग इधर को बना दिया और दूसरा इधर को कर दिया इसी तरह से अब जो यहाँ पे होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वो इसके पैरल नहीं होना चाहिए तो उसको हम से बना दिया इधर को और इसके पैरल नहीं चाहिए तो इसीलिए से इस साइड को करके बना दिया अब इसके पैरेलल नहीं होना चाहिए यहाँ पे तो ये बाउंड हम बना लेते हैं से इस तरीके से और जो यहाँ पे बॉन्ड होगा वो इसके पैरेलल नहीं होना चाहिए तो वो बना लिया ऐसे करके अब इसके पैरेलल या इसके पैरेलल नहीं होना चाहिए यहाँ पे बॉन्ड तो इस बॉन्ड को बना दिया कुछ इस तरीके से और जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा वो ना इसके पैरल हो ना इसके पैरल हो तो इसलिए उसको कुछ इस तरह से करके बना दिया तो ये जस्ट आइडिया से ही हमें बनाने हैं पर एक बात का ध्यान रखना है कि नेबरिंग कार्बन के ऊपर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं दे शुड नॉट बी पैरल टू ईच अदर एक दूसरे से स्टैगर्ड दिखाई देने चाहिए फिर दूसरा इसका कन्फर्मेशनल आइसोमर यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड थोड़ी सी रोटेशन करके जो आइसोमर बनेगा दैट इज कॉल्ड बोट फॉर्म और वो कैसे अपीयर होता है इट लुक्स लाइक दिस इस तरीके से एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे तो दूसरा से यहाँ पे टेट्राहेड्रल एंगल अब इस केस में नेबरिंग कार्बन एटम्स के ऊपर जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डस है दीज आर एग्जैक्टली पैरल टू ईच अदर इसके पैरल होगा इधर को ये चीज तो यहां पर एक्लिप्स कंफर्मेशन में है नेबरिंग कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके बनाऊंगा तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल अपीयर नहीं होती पर क्योंकि शेप ऑफ़ मॉलिक्यूल होती है थ्री डायमेंशनल ये विद इन दी प्लेन ऑफ द बोर्ड नहीं है तो इसलिए एक्चुअल में ये दोनों हैं बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड वहां पर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और दूसरा बॉन्ड अगर मैं इधर को करके बनाऊं तो ये दोनों भी चाहे पैरल दिखाई नहीं दे रहे पर अगर हम इसी पिक्चर को थ्री डायमेंशनल वे में देखें देन दीज टू बॉन्ड्स विल ऑल्सो भी पैरल टू इच अदर एक्चुअली ये बॉन्ड्स अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तो इस तरह से हैं इस तरह से हैं तो ये दोनों मार्कर्स हमें बिल्कुल पैरल अपीयर हो रहे हैं तो इस तरीके से ये दोनों बॉन्ड्स भी एक दूसरे के पैरल हैं ये दोनों बॉन्ड्स भी एक दूसरे के पैरल हैं इसी तरीके से इसके बिल्कुल पैरल बनाएंगे हम ये वाला हाइड्रोजन और इसके बिल्कुल पैरल आएगा इधर को हाइड्रोजन एंड इन अ सिमिलर वे इसके पैरल होगा यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बाउंड ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड पैरल है और इसके पैरल होगा इधर को सिमिलरली इसके पैरल ये वाला बॉन्ड क्योंकि दोनों ही बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड हैं एक्चुअल में पैरेलल होते हैं चाहे अपीयर हमें इतने क्लियरली नहीं हो रहे तो ये दोनों भी पैरेलल हैं और इसी तरीके से ये दोनों भी पैरेलल हैं क्योंकि ये दोनों हैं इस तरह से अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड तो ये वाली जो कन्फर्मेशन है देखने में थोड़ी बहुत अपीयर होती है बोट के जैसी जैसी पेपर की बोट बनाते हैं बच्चे लाइक टॉय तो इसलिए इसको हम कहेंगे बोट फॉर्म और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि इट अपीयर्स लाइक एन इजी चेयर तो इसीलिए इसको कहा जाता है चेयर फॉर्म

जो स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी या एनर्जी होगी तो वो ज्यादा होगी मोर ओवर ये जो दो हाइड्रोजन हैं जिनको मैंने गोले में दिखा रहा हूं और एच एफ लिखा है दीज टू हाइड्रोजन आर कॉल्ड फ्लैग पोल हाइड्रोजन ये दोनों तो अब जो ये फ्लैग पोल हाइड्रोजनस हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं कैसे अब कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बना है बॉन्ड कैसे बनता है बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स ओवरलैप कब करेंगे जब एक दूसरे के टच करेंगे दोनों एटम्स तो ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम एक्चुअल में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं बिल्कुल नज़दीक होते हैं ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी तो इसीलिए ही ये काफ़ी एक दूसरे के क्लोज होंगे तो इसीलिए ही टॉर्शनल स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि इस पिक्चर में जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन हम इतने ज़्यादा क्लोज नहीं दिखा सकते पर इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम है और ये जो दो फ्लैग पोल हाइड्रोजन हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल फिजिकली भी रिपेल करते हैं यानी कि इन दोनों में स्टेरिक स्ट्रेन भी है एंगल स्ट्रेन नो डाउट इस पूरे मॉलिक्यूल में नहीं है क्योंकि थ्री डायमेंशनल शेप बनने के बाद एंगल स्ट्रेन जो है वो जीरो हो जाती है जो बॉन्ड एंगल है दैट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स या 109.5 जीरो डिग्रीज पर बोट फॉर्म में टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम है और फ्लैग पोल हाइड्रोजन में स्टेरिक स्ट्रेन भी है जबकि चेयर फॉर्म की अगर हम बात करें तो चेयर फॉर्म में अगर आप देखो तो नेबरिंग कार्बन के जो हाइड्रोजन के साथ थे इन स्टैगर्ड फॉर्म स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हैं ये और फ्लैग पोल हाइड्रोजन वाली तो कोई बात ही नहीं है कि इनमें कोई जो है फिजिकल रिपल्शन होगी तो इसलिए स्टेरिक स्ट्रेन भी नील है और टॉर्शनल स्ट्रेन भी मिनिमम है तो इसीलिए ही चेयर फॉर्म की एनर्जी जो है वो कम होगी बोट फॉर्म की एनर्जी रिपल्सिव इंटरक्शन के कारण थोड़ी ज्यादा होती है। चेयर फॉर्म की एनर्जी कम होती है तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना कर होता है दूसरी डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 44 फोर किलो जाउल पर मोल अभी तक जो भी हमने कंफर्मेशनल आइसोमर्स किए तो कितना कर उनमें एनर्जी डिफरेंस था जैसे इथेन के कन्फर्मेशनल आइसोमर्स किए थे तो उनमें एनर्जी डिफरेंस था अबाउट 12.6 पॉइंट सिक्स किलो जेबल पर मोल फिर ब्यूटेन के किए तो उनमें मैक्सिमम डिफरेंस था आ, फुली एक्लिप्स और एंटी फॉर्म्स में उनमें डिफरेंस था अबाउट 18.4 पॉइंट फोर किलो जेउल पर मोल का तो ये डिफरेंसेस जो हैं ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है दीज एनर्जी डिफरेंसिस इनके ज़्यादा एनर्जी जो होती है दैट इज ऑर्डिनरली अवेलेबल टू दी मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर थर्मल मोशन तो मोशन के कारण ही उनमें इतनी कर एनर्जी होती है कि वो इन एंगल स्ट्रेन को ऐसे ही क्रॉस कर जाते हैं तो इसीलिए ही हम कहते हैं कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को आइसोलेट करना ये पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि एक दूसरे में ये फ्रीली इंटरकन्वर्ट हो रहे होते हैं फिर भी कुछ ना कुछ तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस है उसके कारण स्टेबिलिटी कम या ज्यादा तो होगी ही जैसे आपने साइक्लोहेक्सेन वाले केस में देख लिया कि चेयर फॉर्म जो है दैट इज अबाउट 44 फोर किलो जूल पर मोल मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म तो ये थी बात हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की तो इसके बाद हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है इससे पहले हमने किया था कुछ वो बेसिक कॉन्सेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफ़ेक्ट और हाइपर कंजुगेशन और उसके साथ हमने करी थी हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन फिर उसके बाद हमने किया था आइसोमेरिज्म तो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं कंपिटिशन्स में तो कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वही हमारा सही स्केल होता है जज करने का कि जो कुछ हमने पढ़ा जो कुछ हमने सीखा क्या वो सफिशियंट है कि हम आगे कंपटीशन में कोई अच्छा स्कोर कर सकेंगे कि नहीं तो मैं भी बच्चों को इसी तरीके से गाइड करता हूं हमेशा कि आप जो पिछले सालों में आए हैं कंपिटिशन में क्वेश्चन वो सॉल्व करके देखो कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद कि अगर तो आपने वो कंफर्टेबली सॉल्व कर लिए तो फिर आपको जो कुछ आपने सीखा है वो बिल्कुल सही है और अगर आप सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर दो बातें हो सकती हैं या तो फिर पढ़ाने वाले में कसूर है कि उसने आपको प्रॉपरली नहीं पढ़ाया या फिर आप में थोड़ी सी कमजोरी है कि आपने उतने ध्यान से नहीं पढ़ा तो इसीलिए अपनी असेसमेंट आपको करनी ही चाहिए साथ साथ तो मैं आपकी हेल्प के लिए कुछ क्वेश्चंस नोट करके लाया हूं जो पिछले ईयर में कंपटीशंस में आए हैं जैसे हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक क्वेश्चन आया था ए आई ट्रिपल ई एग्ज़ाम में अबाउट वन और टू ईयर्स बैक विच वन ऑफ दी दंग डव एस पी टू हाइब्रिड या हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताई थी तो उस टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही फाइंड कर सकते हैं ये बात भी डिस्कस की थी तो हमें जो ऑप्शन दी गई हैं उनमें ए ऑप्शन है एसीटोन और देखना है कि किस मॉलिक्यूल में एस पी टू हाइब्रिड कार्बन जो है वो नहीं है एसिटिक एसिड और सी ऑप्शन थी एसिटोनाइट्राइल डी ऑप्शन है एसीटेमाइड अब अगर ये क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा तो वो कौन होगा जिनको इन नेम्स के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर्स नहीं बनानी आती क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें देखनी है तो वो हम स्ट्रक सॉरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही देख सकते हैं जैसे एसीटोन होती है प्रोपेनोन एसीटोन उसका कॉमन नेम होता है तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है दिस एसिटिक एसिड है तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये वाला तो दोनों स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है और कार्बन का एक पाई बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है अगर एक पाई बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो डेफिनेटली है तो ये दोनों कार्बन एटम्स की जिनको मैं ब्लू पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं इनकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हमें चाहिए वो वाला कंपाउंड जिसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन नहीं है तो एसिटोनाइट्राइल ये कंपाउंड होता है ये वाला आईयूपीएसी सिस्टम में जिसको कहा जाता है इथेनामाइड ये है तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि इस कार्बन का डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है पर इस केस में सी ऑप्शन में इस कार्बन के चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन है तो हमेशा सिग्मा बाउंड्स ही बनाने हैं तीन हाइड्रोजन है तो तीन सिग्मा बॉन्ड ये और सिंगल बॉन्ड है तो वो भी सिग्मा बॉन्ड ही है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है एस थ्री अब इस कार्बन का एक ट्रिपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड्स हैं अगर दो पाई बॉन्ड्स हुए तो हाइब्रिडाइजेशन होगी एस अब इसमें देखो कोई है sp2 हाइब्रिड कार्बन कार्बन ही कोई नहीं बचा तो sp2 हाइब्रिड कार्बन कहाँ से आएगा तो इसलिए अगर आपने वही तरीका वही टेबल जो है आपके दिमाग में बैठा हो कि हाइब्रिडाइजेशन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं तो आप सीधे बिना ज्यादा सोचे ये टेक कर सकते हो कि यही ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट वन फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बात करी थी वो प्राइमरी कार्बन क्या होती है सेकेंडरी कार्बन क्या होती है टर्शरी कार्बन क्या होती है जब हम इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंगली स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स एक्सप्लेन कर रहे थे उस टाइम भी ये बात हुई थी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन की तो एक क्वेश्चन आया था एम्स के 2004 के एग्जाम में तो वो क्वेश्चन था दी कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स किस कंपाउंड में सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स हैं कोई और जो है वो नहीं है तो ए ऑप्शन है नियोपेंटेन बी ऑप्शन है टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूट टू इन सी ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेन और डी ऑप्शन है प्रोपाइन तो क्वेश्चन है कि किसमें सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन हैं. तो ये भी आप इनकी स्ट्रक्चर बनाकर ही एक्सप्लेन कर पाओगे जैसे प्रोपाइन है तो ये क्या होता है तीन कार्बन एटम की चेन होगी और उसमें एक आइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है बाकी सारे हाइड्रोजन है तो इस कार्बन का एक बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है तो तीन हाइड्रोजन लगा दोगे इसका भी इसके तीन बॉन्ड हैं बने हुए तो इसको एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के चारों बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा अब इस कार्बन के साथ कितने कार्बन और अटैच हैं? <coughs> सॉरी तो इसके साथ एक ही कार्बन और अटैच है तो इसका मतलब ये वाला कार्बन है प्राइमरी तो फिर ये वाले हाइड्रोजन भी हुए प्राइमरी और इस कार्बन के साथ भी एक ही कार्बन और अटैच्ड है पर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है इसलिए इतनी बात इसकी हम नहीं करेंगे यहां पर है साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन आप देख सकते हो इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है इस तरह से होगा जिसमें हरेक कार्बन के साथ दो दो कार्बन और अटैच होते हैं तो एवरी कार्बन इज सेकेंडरी एवरी हाइड्रोजन इज आल्सो सेकेंडरी फिर उसके बाद आ, आती है बात टू थ्री डाई मिथाइल की सेकेंड कार्बन पे है डबल बॉन्ड सॉरी मिथाइल ग्रुप भी और डबल बॉन्ड भी थर्ड कार्बन के ऊपर भी मिथाइल देखो अगर आप तो इसमें भी इस कार्बन ये वाला कार्बन है प्राइमरी ये वाला कार्बन है प्राइमरी ये वाला कार्बन है प्राइमरी ये वाला कार्बन भी प्राइमरी तो जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे के सारे प्राइमरी हाइड्रोजन हैं और ये है नियोपेंटेन तो नियोपेंटेन भी ये वाला कंपाउंड है दिस तो इसमें भी ये भी प्राइमरी कार्बन ये भी प्राइमरी कार्बन ये भी प्राइमरी कार्बन और ये भी सारे कार्बन प्राइमरी हैं तो सारे के सारे प्राइमरी हाइड्रोजन हैं तो इसमें इस कंपाउंड में, इस में हमारे हमने देख लिया कि ये वाली स्ट्रक्चर में ये वाली स्ट्रक्चर में और ये वाली स्ट्रक्चर लास्ट ऑप्शन तीनों में प्राइमरी हाइड्रोजन हैं सिर्फ सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जिसमें साइक्लोहेक्सेन में कोई प्राइमरी हाइड्रोजन नहीं है तो सिर्फ एक ऑप्शन बनती है सही कि, कि किसमें प्राइमरी हाइड्रोजन नहीं है कोई भी क्योंकि इसमें सारे के सारे सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक लास्ट क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएससी पीएमटी में तो इसमें कंपाउंड एक बताया हुआ है स्ट्रक्चर दे रखी है उसकी ये ब्यूट ब्यूटा वन टू डाईन तो दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम्स कार्बन एटम्स को नंबर भी दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी है फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन इस कार्बन के आपको दिखाई दे रहे हैं डबल बॉन्ड है तो उसमें एक पाई बॉन्ड है इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 इस कार्बन का एक पाई बॉन्ड इधर एक पाई बॉन्ड इधर टोटल हो गए दो पाई बॉन्ड्स तो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम्स की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हैं तो उसके लिए ऑप्शंस दे रखी हैं ये वाली सी ऑप्शन है एस पी टू और एस पी डी ऑप्शन है एस पी टू और एस पी टू तो फर्स्ट कार्बन की है sp2 सेकंड टू सेकेंड कार्बन की है sp तो स्ट्रक्चर बनाकर हम स्ट्रक्चर तो दी गई थी तो उसी से हमने देख लिया कि सी ऑप्शन जो है दैट इज दी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन तो इस तरीके से हमने देख लिया यहां पर कि कैसे जो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हैं जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसी की हेल्प से बड़े आराम से हमने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए तो इसके बाद जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो होंगे ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन के बाद जैसे हमने किया था इंडक्टिव इफेक्ट और जो चार इफेक्ट किए थे उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो डिफरेंट कम्पिटिशन में आए हैं एक क्वेश्चन आया था डी सी ई में टू थाउजेंड टू में तो वो क्वेश्चन का क्या है द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इज इन दी ऑर्डर अल्काइल ग्रुप्स में जो प्लस आई इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट उसका ऑर्डर क्या होता है ये तो जब हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन कर रहे थे कार्बोकेटाइन की या जो भी हमने किए थे वहां पर मैंने आपको बताया भी था जब सॉरी हाँ प्लस ई इफेक्ट किया था तब आपको बताया था कि कैसे कैसे करके इनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर जो है वो वेरी करेगी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स की तो यहाँ पर यह क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया था डी में तो आप समझ सकते हो कि कितना वो ज्यादा प्रेस्टीजियस कॉलेज है तो उस कॉलेज के पेपर में एंट्रेंस टेस्ट में ये क्वेश्चन था कि प्लस आई इफेक्ट ऑफ एलकाइल ग्रुप्स इज इन दी ऑर्डर तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जितना बड़ा साइज होगा अल्काइल ग्रुप का उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा और ये लाइन भी लिखी थी कि टर्सरी ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है सेकेंडरी का उससे कम प्राइमरी का सबसे कम तो ये क्वेश्चन अगर थोड़े से समझ कर किए हों बेसिक कॉन्सेप्ट तो बड़े इजी तरीके से हम बता सकते हैं फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है ए आई ट्रिपल ई का जब सबसे पहले ये शुरू हुआ था ए आई ट्रिपल ई 2002 में तो उस टाइम का है तो जो डिफरेंट हैं हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स ये है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप फिर आता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप <coughs> तो अरेंजमेंट ऑफ दीज ग्रुप्स व्हेन अटैच्ड टू बेंजाइल और एन अनसेचुरेटेड ग्रुप इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होगा हम ये इनका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में इनको अरेंज करना है तो इवन ऑप्शंस लिखने की भी जरूरत नहीं हो पड़ेगी यहां पर इसका सही आंसर देने में तो डेफिनेटली यही चीज है कि जितना बड़ा साइज होता जाएगा अल्काइल ग्रुप का उतनी ही स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा जैसे ये सबसे छोटा ग्रुप है प्राइमरी है ये सेकेंडरी है तो ये टर्शरी एल्काल ग्रुप है तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि टर्शरी एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है सेकेंडरी की उससे कम प्राइमरी की सबसे कम तो इसमें बी ऑप्शन थी ये वाली दे रखी हमें कि इथाइल ग्रुप का सबसे वीक होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट फिर उसके बाद आएगा आइसोप्रोपाइल और सबसे एंड में है टर्शरी ब्यूटाइल तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इवन चारों ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती एक ही ऑप्शन से ये क्लियर हो जाता है कि इसका क्या आंसर होगा फिर आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस में कि इंडक्टिव इफेक्ट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और उसमें सबसे पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने एक्सप्लेन करी थी तो इसी के ऊपर एम्स का क्वेश्चन है ये कि विच वन ऑफ दी फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी इन कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है और डी ऑप्शन है ये सेकेंडरी कार्बोकेट तो ये मिथाइल कार्बोकेट है सबसे छोटा ये उससे बड़ा ये वाला उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा है और इसमें टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन थ्री इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर अटैच विच कंपनसेट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन टू मैक्सिमम एक्सटेंट यहां पर दो ग्रुप्स हैं जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करते हैं यहां पर सिर्फ एक और यहां पर कोई भी नहीं तो तीन ग्रुप्स जो हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज़ करेंगे तो इसलिए ये वाला कार्बोकेटाइन जो सी ऑप्शन में दे रखा है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और फिर इसके बाद बात आती है जब इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों का कंपैरिजन हो मतलब दोनों ही आ, इफेक्ट चल रहे हों तो कौन सा ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा तो रेजोनेस में आपने देखा था कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में जस्ट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होती है तो एक ऑप्शन दे रखी है ये वाला कार्बोकेटायन दैट इज बेनजाइल कार्बोकेटाइन ये एक्चुअल में होता है अगर मैं इसका पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊं तो ये है बेंजीन रिंग की कैक्यूल स्ट्रक्चर और इसके ऊपर है सी एच टू ग्रुप तो हेयर यू कैन सी देर इज पॉजिटिव पाई कंजुगेशन तो रेजोनेंस होगी यहां पर इस कार्बोकेट आइन जो है ये वाला इट विल बी स्टेबिलाईज बाय रेजोनेंस फिर इसके बाद सेकंड ऑप्शन है इथाइल कार्बोकेट आयन इसमें है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो इसको स्टेबलाइज करेगा बाय इंडक्टिव इफेक्ट तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट से तो वीक होता है तो डेफिनेटली ये वाला कार्बोकेट इसके कम कम्पर, कंपेरिजन में थोड़ा लेस स्टेबल होगा और सी ऑप्शन हमें दे रखी है यहां पर ये. यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज नॉट कंजुगेटेड टू मल्टीपल बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड्स यहाँ पर कोई कंजुगेशन नहीं है तो इसलिए ये वाला एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स तो रिलीज करेगा पर उतने स्ट्रोंगली नहीं करेगा जितने स्ट्रोंगली यहाँ पे हो रहे थे तो इसके कंपैरिजन में ये भी लेस स्टेबल रहेगा और डी ऑप्शन यहां पर दे रखी है सी सिक्स एच फाइव सी एच इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये तो मतलब इस केस में टू बेंजीन रिंग्स आर अटैच डायरेक्टली टू पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन अगर हम इसकी पूरी स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो ये केस बनेगा अब यहाँ पर एक बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रही है यहाँ पर दो दो रिंग्स स्टेबलाइज कर रही हैं तो डेफिनेटली ये वाला कार्बोकेटाइन जो है ये मोस्ट स्टेबल होगा तो इस तरीके से जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट वगैरह उनकी हम बात करें अगर तो उनकी हेल्प से बड़ी इजीली ये क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं फिर इसके बाद एक क्वेश्चन हम करते हैं लास्ट आइसोमेरिज्म के ऊपर जो हम टॉपिक सबसे एंड में कर रहे हैं इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आया था तो ये क्वेश्चन है हमारे पास ए आई ट्रिपल ई का 2005 का तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ऑफ दी फाइव आइसोमेरिक हेक्सेन के जो आइसोमर्स हैं पांच आइसोमर्स की बात है आइसोमर विच कैन गिव टू मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड का मतलब है कि जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक क्लोरीन लगाई जाए बस दैट विल बी कॉल्ड मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट तो बी ऑप्शन है टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन सी ऑप्शन है यहां पर टू टू डाइमिथाइल ब्यूटेन और डी ऑप्शन है टू मिथाइल पेंटेन तो यहां पर यह बताना है कि इनमें कौन से वाला जो है वो स, आ, करेगा क्या सिर्फ मोनोहेलोजिनेशन होगी जिसमें मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कौन सा देगा तो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर्स बनाकर देखें तो नॉर्मल हेक्सेन है स्ट्रेट चेन हेक्सेन जिसमें सिक्स कार्बन एटम की लंबी चेन है ये वाला अब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है यहां पर लगे हेलोजन या यहां, यहां पर लगे या यहां पर लगे तो तीन डिफरेंट हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे और टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन में दिस इज टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन इसमें यहाँ पर एक हेलोजन लगाया जाए या यहाँ पर या यहाँ पे या इस सी एच थ्री ग्रुप में से किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए चारों ग्रुप्स हैं बिल्कुल आइडेंटिकल बिल्कुल आइडेंटिकल जगह पे पड़े हैं इसलिए एक जगह पे अगर हेलोजन लगाएं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ यहाँ पे तो एक ही आइसोमर होगा फिर दूसरे ये दो हैं सी एच वाले दो पोजिशन हैं दीज आर डिफरेंट फ्रॉम सी एच थ्री ग्रुप अगर यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन लगा दें तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट आइसोमेरिक फॉर्म्स बनेगी फिर आई बात टू टू -डाई ब्यूटेन की अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सॉरी यहां पर टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन होना चाहिए क्योंकि नहीं हेक्सेन की हम आइसोमर्ज कर रहे हैं टू टू डाइमिथाइल ब्यूटेन होगा ये और टू मिथाइल पेंटेन जो है दैट इज दिस तो ये हैं डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ हेक्सेन तो इसमें आपको देखना था कि दो मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड्स कौन सा देगा यहां पर अगर आप देखो तो ये वाला सी एच थ्री ग्रुप ये वाला सी एच थ्री ग्रुप और ये वाला सी एच थ्री ग्रुप है आइडेंटिकल इनसे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करे तो एक ही आइसोमर बनेगा यहां से करेंगे तो दूसरा आइसोमर बनेगा यहां पे करेंगे तो तीसरा आइसोमर बनेगा इसी तरीके से यहां पर एक करें तो यहां पर ये दोनों पोजीशंस हैं बिल्कुल आइडेंटिकल यहाँ पे दूसरा आइसोमर बनेगा यहां पर तीसरा बनेगा यहाँ पर चौथा बनेगा यहाँ पर पांचवा आइसोमर बनेगा तो दो आइसोमर जो हैं वो सिर्फ बी ऑप्शन में ही बन रहे हैं कि जब हम एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करें तो उसमें से दो मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड्स बने एक यहां पर हेलोजन लगा दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके या सी एच ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन से को हम किसी हेलोजन से रिप्लेस कर दे तो ये क्वेश्चंस थे जो हमारे पास पिछले कुछ कॉम्पिटिशन में आए हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो हमने डिस्कस कर लिए थोड़े से अभी तो इनकी हेल्प से आप देख सकते हो कि जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा क्या वो सफिशियंट था जो हमने ये कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन देखे अगर सफिशियंट नहीं है तो फिर आपको उसका रीजन देखना पड़ेगा कि क्या रीजन रहा कि ये सफिशियंट नहीं है तो इन क्वेश्चन के बाद हम आगे बात करते हैं जो टॉपिक हम कर रहे थे दैट इज आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा किया था और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमने पूरा कर लिया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म की मैंने आपको बताया कि तीन टाइप्स होती हैं एक जिसमें से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम कर चुके दूसरी टाइप होती है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं अभी आपने किए थे कन्फर्मेशनल तो जैसे इथे, इथेन की एग्जांपल हमने ली थी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है तो इसकी तो इनफाइनाइट मेनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं तो जो नो no डाउट मतलब डिस्टिंग्विशेबल नहीं है सेपरेट हम नहीं कर सकते पर पॉसिबल तो इनफाइनाइट कन्फर्मेशन्स हैं पर अगर हम कार्बन कार्बन एटम्स में डबल बॉन्ड बना दें तो इस केस में जो भी कन्फर्मेशनस जो भी अरेंजमेंट्स डिफरेंट बन सकती हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती डबल बॉन्ड पहली बात बनेगा कैसे बाय साइडवाइज ओवरलैप जैसे इस कार्बन का एक है ये ऑर्बिटल दो कार्बन एटम्स हैं सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड बॉन्ड जब बना तो एटम्स आ जाते हैं थोड़े पास इसलिए इन ऑर्बिटल्स का हो जाता है साइडवाइज ओवरलैप अगर हम सीधे ऑर्बिटल्स को ही ओवरलैप करता दिखाएं तो इस तरह की फिगर बनती है तो मतलब आफ्टर ओवरलैपिंग जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है दैट लाइज अब प्लेन कंटेनिंग द एटम्स ये ऐसा करके कुछ अपीयर होगा और दोनों एटम्स में बीच में सिंगल बॉन्ड तो है ऊपर में दो जगह पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कॉमन है दोनों में तो डेफिनेटली कि तीन तीन पॉइंट्स में अटैचमेंट है और तीन पॉइंट्स में अगर अटैचमेंट होगी तो इस बॉन्ड के अराउंड कोई फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी तो इसलिए अगर ये वाली अरेंजमेंट जो मैंने बनाई है अगर ये हम देखें एक बार बन गई तो ऐसे की ऐसे ही रहेगी अपने आप कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के जैसे दूसरी किसी भी अरेंजमेंट में कन्वर्ट नहीं होगी और अगर हम इस अरेंजमेंट की बात करें कि यहां पर इस कार्बन से हाइड्रोजन को ऊपर कर कर दें दें। और मिथाइल ग्रुप को नीचे नो डाउट no इसको घुमा के नहीं कर सकते हम अटैच ही इसी तरीके से करेंगे कि हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हो और मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ हो तो अब ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं एक दूसरे में इंटरकनवर्टेबल नहीं है पर कुछ तो डिफरेंस है दोनों में क्या डिफरेंस है कि स्पेस में इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट वे में है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर है तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऊपर है तो जिसमें अरेंजमेंट की डिफरेंस हो बस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वही है तो इनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं ये क्या होते हैं जो डिफरेंट हमारे पास ये अरेंजमेंट्स बनी जो आपस में इंटरकन्वर्टिबल नहीं है जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं अबाउट दी कार्बन एटम्स अराउंड रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड इनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल व्हाट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आइसोमर्स डिफरेंट रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट्स स्पेशियल के मैंने आपको स्पेलिंग्स बताए थे इसको इस तरह से लिखा जाता है सी से नहीं द डिफरेंट रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स विच आर देयर बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो जो ये दो हमारे पास डिफरेंट अरेन्जमेंट बनी तो अब हम करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब बनने पॉसिबल होंगे कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे तो इसके लिए दो कंडीशन हैं एक तो हमने बात की थी अभी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और आइसोमर्स के कंपैरिजन में कि आइसोमर्स में तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है पर डबल बॉन्ड हो अगर तब फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो डबल बॉन्ड हो चाहे ना हो पर कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन नहीं होनी चाहिए तो फर्स्ट कंडीशन आप लिख सकते हो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड और ब्रैकेट में लिख लो जनरली प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड तो इन मोस्ट ऑफ केसेस डबल बॉन्ड होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा पर हां कभी कभी इन दी एब्सेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड भी हो जाता है तो पहली कंडीशन इसीलिए हमने लिखी कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड फिर दूसरी बात सेकंड कंडीशन अब देखो आप अगर कि ये वाला सी एच थ्री ग्रुप जो है इसको जगह पे भी अगर हाइड्रोजन ही लगा हो तो मैं इसको कौन सा आइसोमर बोलूंगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड ऑफ दी डबल बॉन्ड पे है तो सिस आइसोमर है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑन ऑपोजिट साइड में है तो यहां पर ट्रांस आइसोमर है तो यहां पर ये डिस्टिंक्शन नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या प्रॉब्लम पड़ी यहां पर यहां पे एक कार्बन एटम के साथ जो दो एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स लगे हैं वो आइडेंटिकल हैं अगर कहीं भी दोनों ग्रुप्स आइडेंटिकल हो गए तो तब कोई मतलब कि डिफरेंस इन अरेंजमेंट नहीं आ पाएगा तो इसलिए जो भी दो एटम्स लगे हैं ऑन कार्बन एटम्स ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए इधर इधर चाहे सेम हो जाए दो डिफरेंट कार्बन एटम्स के ऊपर पर एक कार्बन एटम के साथ जो दो ग्रुप्स लगे हैं दे मस्ट बी डिफरेंट तो सेकंड कंडीशन आप लिख सकते हो दू एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच टू द कार्बन ऑफ द बॉन्ड अबाउट विच द रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड मस्ट बी डिफरेंट कि ये दोनों ग्रुप होने चाहिए डिफरेंट तो जो कंपाउंड इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा उसमें जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम पॉसिबल होगा जिस कंपाउंड में इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई दो में से एक हो गई दूसरी नहीं हुई तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं होगा फिर कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करने के बाद अब हमें करनी चाहिए कि इनकी क्या क्या डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज हैं तो उसकी उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाय चेंजिंग दी एग्जांपल कि यहां पर ब्यूटीन की बजाय अगर मैं मिथाइल ग्रुप की बजाय यहां पर क्लोरीन अटैच कर दूं तो ये आपको पता है कि क्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन तो इसलिए ही ये ये एग्जांपल मैंने ली है कि इसकी हेल्प से आप बड़ी इज़ीली चीज़ समझ पाओगे। आउट ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डेफिनेटली यहां पर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी डिस्प्लेस टूवर्ड क्लोरीन टू सम एक्सटेंट इसके कारण क्लोरीन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दैट इज ये वाला कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है ये होगा पोलर कोवेलेंट अगर पोलर है तो इसकी कुछ डायपोल मोमेंट होगी जिसका आपको पता है फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू क्यू इन टू डी क्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डी है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस और चार्जेस की सेपरेशन होने के कारण इस बाउंड में पोलैरिटी होगी तो जो भी इसकी पोलैरिटी के कारण डाइपोल मोमेंट आती है उसको वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको मैं इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये ऐसे ही डेजिग्नेट की जाती है जो पॉजिटिव सेंटर है उसकी तरफ एरो की बैक और जो नेगेटिव सेंटर हो उसकी तरफ हेड इसी तरीके से एक डाइपोल बनता है इधर तो डाइपोल क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है तो इनका वेक्टर सम करोगे आप बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसके अकॉर्डिंगली डाइपोल मूवमेंट इसकी काफी ज्यादा होगी या समथिंग मेजरेबल होगी यहां पर अगर आप देखो ट्रांस आइसोमर में जिसमें सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड तो यहां पर एक डाइपोल इधर को दूसरा डाइपोल नीचे को दोनों डाइपोल्स का मैग्नीट्यूड है सेम और डायरेक्शन है यहां पर ऑपोजिट एक ऊपर को एक नीचे को तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर यहां पर तो दोनों सेम एटम्स हैं इसलिए बिल्कुल कैंसल हो गई इसकी डायपोल मूवमेंट तो जीरो ही हो गई ठीक है इसकी डायपोल मूवमेंट इज मोर देन जीरो हो सकता है कि क्लोरीन की बजाय मैं ओएच ग्रुप लगा दूं या कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लगा दूं तब पूरी पूरी कैंसलेशन ना हो चाहे पर कुछ हद तक तो कैंसलेशन होगी मतलब ट्रांस आइसोमर की पोलैरिटी जो है नेट डायपोल मोमेंट जो है वो सिस आइसोमर से कम होगी तो इसलिए दोनों के डिफरेंसेस में मैंने आपको बोला था कि आप लिख सकते हो कंपैरिजन ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स तो उसमें नंबर 1 पोलरिटी is ज्यादा है और फिर दूसरी बात इसके बाद आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज मेल्टिंग पॉइंट की तो बॉयलिंग पॉइंट की बात हमने शायद पहले भी की थी बॉयलिंग पॉइंट होता क्या है बॉयलिंग पॉइंट ये होता है वो टेम्परेचर देशर टू विच ए सबस्टांस मस्ट बी हीटेड सो दैट डायमेंट है जीरो तो कोई डायपोल डायपोल अट्रैक्शन नहीं होगी तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन अगर नहीं है तो कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ओनली वेंडरवॉल्स फोर्सेज तो वेंडरवाल फोर्सेस आर दीकेस्ट दी अमंग ऑल द इंटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहां पर काफी ज्यादा डाइपोल मूवमेंट है तो इस केस में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस होंगी वेरी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स अगर स्ट्रोंगली हेल्ड होंगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली ज्यादा होंगे तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर सेस से मोर पोलर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है ठीक है तो सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो द्वलिंग पॉइंट ऑफ इज मोर देन दैट ऑफ ट्रांस आइसोमर और तीसरी डिस्टिंक्शन आएगी इनकी इनके मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली अब जब किसी सब्सटेंस को किसी सॉलिड को मेल्ट करना है तब हमें उसकी जो क्रिस्टल शेप है उसकी स्टेबिलिटी भी स्टडी करनी पड़ेगी तो क्रिस्टलाइन स्टेट में अगर उसको हमें मेल्ट करना है तो उसके लैटिस को क्रिस्टल लैटिस को ब्रेकअप करना पड़ेगा और उस केस में हमारे लिए लैटिस एन थेरेपी भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी जब कभी भी हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस कंपेयर करें तो जो है ये सिमर इसमें आप देख सकते हो क्लोरीन एटम है बड़ा हाइड्रोजन एटम है छोटा या इससे पहले जो हमने मिथाइल ग्रुप्स लगाए थे यहाँ पर वो वाला एग्जाम्पल लिया था तो ये वाला केस भी लेकर हम यही चीज स्टडी कर सकते हैं तो पोलैरिटी तो नो डाउट सिग्निफिकेंट है पर उसके साथ साथ क्योंकि लेटिसन थेरेपी की भी बात आ रही है तो उसको मैं थोड़ा सा अभी डिस्कस करने लगा हूं पोलैरिटी नो डाउट थोड़ी सी तो होगी इसमें भी क्योंकि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट कार्बन एटम्स की अलग अलग है पर ओवरऑल यहां पर लेटेस एनथेलपी ज्यादा सिग्निफिकेंट है ऊपर हैं बल्कि मिथाइल ग्रुप्स नीचे है हाइड्रोजन बड़े बड़े ग्रुप्स हैं एक साइड में नीचे छोटे छोटे हाइड्रोजन है तो इसकी शेप को हम ऐसे करके भी दिखा सकते हैं कि कुछ ऐसे करके इसकी शेप होगी नीचे होंगे छोटे छोटे ऊपर हैं बड़े तो इस तरह के अगर हमारे पास स्टोन्स हों और उनसे हम एक वॉल बनाए तो वो वॉल तो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी उसको इजीली हम ब्रेकअप कर सकते हैं तो जो ऐसे मॉलिक्यूल्स की ऐसी शेप वाले मॉलिक्यूल्स का क्रिस्टल बनेगा उसका लेटेस्ट भी काफी वीक होगा थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो लेटेस्ट ब्रेकअप हो जाएगा इसकी लेटेस्ट एंथेलपी कम होगी इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा थोड़ा सिस का और ट्रांस आइसोमर जो है यहां पर बड़ा मिथाइल ग्रुप है ऊपर तो इट हैज समवट सिमेट्रिकल शेप अब हमारे पास इस शेप वाले मॉलिक्यूल्स हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को एक के बाद एक एक के ऊपर दूसरा हम प्रॉपरली फिट कर सकते हैं तो बिकॉज़ ऑफ सिमेट्रिकल शेप ये वाले मॉलिक्यूल जो होंगे दे विल बी वेल पैक्ड टुगेदर इसलिए इस केस में लैटिस को ब्रेकअप करना थोड़ा मुश्किल हो, जा, हो जाएगा और लैटिस एन्थैल्पी ज्यादा होगी या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो हमेशा ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सेस आइसोमर से ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट सेस का ज्यादा था ट्रांस सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस आइसोमर का ज्यादा होगा तो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज हायर देन दैट ऑफ सेस आइसोमर फुल स्टॉप दिस इज बिकॉज Due to symmetrical shape, the trans isomer fits well in the crystal lattice, and therefore, the lattice enthalpy or the melting point will be higher. तो अभी तक हमने थोड़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो डिस्कस किया उसमें मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी पहली रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कॉमनली आपको बताई जाती है प्रेजेंस ऑफ डबल बाउंड तो मैंने थोड़ी चेंज करके लिखवाई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और उसी के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ अभी डिस्कस करने लगा हूं जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिर भी है जैसे आपको पता है ब्यूटेन अगर मैं उसकी शेप ऐसे बनाऊं, तो इसमें दो नेबरिंग कार्बन के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप लगाए जाएं, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ मिथाइल ग्रुप ये तो इस केस में डेफिनेटली दो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स जो हैं, वो बन सकती हैं। एक का मिथाइल ग्रुप ऊपर और हाइड्रोजन नीचे और यहां पर अगर मैं मिथाइल ग्रुप को नीचे कर दूं हाइड्रोजन को ऊपर कर दूं तो हेर यू कैन सी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिंगल बॉन्ड तो है पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेकअप हो जाएगी अगर हम इस बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है वो ब्रेकअप नहीं होनी है इसलिए इस बॉन्ड के अराउंड भी रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है तो ये जो दो डिफरेंट अरेन्जमेंट है ये दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल नहीं है तो यहां जहां पर ये दोनों सिमिलर ग्रुप्स होंगे ऑन द सेम साइड तो दैट विल बी कॉल्ड सेस से जहां पर होंगे ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ दी डबल डबल बॉन्ड या जो कार्बन है जिनके अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उसको आप कहते हो ट्रांस आइसोमर और अगर इनके नेम्स भी हम साथ में लिखें तो ये वाला कंपाउंड होगा सिंटू डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन सॉरी साइक्लोब्यूटेन चार कार्बन वाली रिंग है तो साइक्लोब्यूटेन ही होगा और यहां पर ट्रांस है तो इसका नेम आप ऐसे लिख सकते हो ट्रांस वन टू डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन तो अभी तक हमने स्टडी कर लिया आइसोमेरिज्म के बारे में कि व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर आइसोमेरिज्म और कुछ हमने उनकी एग्जाम्पल स्टडी करी फिर उसके बाद हमने ये भी स्टडी कर लिया उनकी जो प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं कि सिस और ट्रांस का अगर हम कंपेरिजन करें